राज्यसभा में नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दे रहे थे। काफी दिनों के बाद राज्यसभा में मोदी बोल रहे थे। राज्यसभा में बीजेपी की कम संख्या मोदी के लिए चिंता का विषय तो था ही, लेकिन सरकार के काम ने मोदी में आत्मबल ला दिया था। मोदी ने अपने भाषण में सरकार की नीतियों की चर्चा तो की ही, साथ ही ट्रांसपेरेंसी पर भी जोर दिया। मोदी सरकार ने अपने कार्यों के जरिए विपक्ष पर वार किया। सुनाते हैं आपको मोदी के भाषण का वो अंश जिसमें सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की गई। दूसरा पहलू है गुड गवर्नेंस का, अकाउंटेबिलिटी। हमें मान के चले कि कुल मिलाकर के जो डिटोरिएशन आया है उसमें हम खबरों की स्पीड से चलते चले जा रहे हैं, पीछे की चीजें छूटती चली जा रही है। खबरें आती हैं जाती हैं, घटनाएं आती हैं जाती हैं, अकाउंटेबिलिटी का विषय छूट जाता है। हमने कोशिश की है कि अकाउंटेबिलिटी पर बल दिया जाए। मैं लगातार इन दिनों इंफ्रास्ट्रक्चर के रिव्यू कर रहा हूं। इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को आश्चर्य होगा, 10-10, 20-20 साल से हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लटके पड़े हुए हैं। क्या तो एनवायरमेंट वालों ने रोक दिया होगा, क्या कोर्ट कचहरी ने रोक दिया होगा, या स्थानीय कोई बॉडी होगी छोटी नगर पालिका उसने रोक करके बैठ गई होगी। और रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है कोई देखता नहीं पूछता नहीं, इसी कारण कभी फाइनेंशियल कारण भी रहे होंगे। लेकिन 10-10, 20-20 साल से रुके हुए प्रोजेक्ट, मैंने पिछले दिनों करीब 300 प्रोजेक्ट का खुद ने रिव्यू किया और उसकी वर्थ है करीब 15 लाख करोड़ रुपया। मैं इस सदन को नम्रतापूर्वक कहता हूं, वो सारे छोटे 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 संकटों में फंसे हुए ये 15-15, 20 साल पुराने स्टॉल प्रोजेक्ट्स आज चालू हो गए हैं, गति बढ़ रही है, परिणाम। अगर मैं गुड गवर्नेंस की बात करता हूं, सुशासन की बात करता हूं, तो उसकी पहली शर्त होती है ट्रांसपेरेंसी। हम भाई बड़ी भली भांति जानते हैं कि इसके पूर्व हमारे आने से पहले देश और दुनिया में सही और गलत इसका विवाद हो सकता है, लेकिन ये माहौल बना हुआ था, विश्वास टूट चुका था, आशंका के दायरे में हम दबे हुए थे और सब दूर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, इन चीजों ने हिंदुस्तान के मन को जकड़ दिया था। दुनिया में भी इसके कारण भारत की छवि को गहरा नुकसान हुआ था। देश में विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक है और जिम्मेदार लोगों की जिम्मेवारी भी है ट्रांसपेरेंसी। पॉलिसी ड्रिवन गवर्नमेंट, इंडिविजुअल की वीन पर सरकारें नहीं चल सकती, सरकार नीतियों के आधार पर चलनी चाहिए, उस पर हमारा बल रहा है। पिछले दिनों चाहे कोयले की चर्चा हो, चाहे स्पेक्ट्रम की चर्चा हो, न जाने क्या क्या बातें उठी, अब तो मामले सारे कोर्ट में भी पड़े हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी पर बल दिया। उसका परिणाम यह है, कोयला ऑक्शन में हम गए, 3.33 लाख करोड़, स्पेक्ट्रम में गए 1 लाख करोड़, हम एफएम रेडियो में गए, अभी चल रहा है, शायद आप लोगों को ध्यान होगा, 6 अन्य मिनरल्स का, और अभी जो ऑक्शन में करीब 18,000 करोड़ रुपए खा सकते, ये एक कोशिश हमारी कि ट्रांसपेरेंसी। और मैंने उसके लिए उदाहरण दिए, अभी फोर्ब्स मैगजीन उसने एक बात कही है हमारे जो ऑक्शन का जो परंपरा हमने शुरू की है उसके विषय में। फोर्ब्स मैगजीन कहता है, इंडिया हैज जस्ट कंडक्टेड इट्स फर्स्ट ऑक्शन ऑफ अ गोल्ड माइन, दिस इज एग्जैक्टली द राइट वे टू एलोकेट द एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लोइटेशन राइट्स
अब सच है नेचुरल रिसोर्सेज दिस इज अनदर वन ऑफ दोज स्टेप्स अलोंग द रोड टू इंडिया बिकमिंग द मच वेल्दियर कंट्री इट शुड बी। अब वो जो गोल्ड माइन कहते हैं उनकी पश्चिम की दुनिया में इनके लिए कोयला वगैरह को सबको वो गोल्ड माइन के रूप में माना जाता है, उस अर्थ में गोल्ड माइन दिखा है, हमारे को सोना की खदानें नहीं दी गई है। फोर्स मैगजीन ने आगे एक जगह पर अच्छी बात कही है, हमने जो प्रयास किया उसको उसने कहा है। एक ही वाक्य अच्छा अलग से मैं पढ़ना चाहूंगा, दिस इज द वे दिस मैटर शुड बी हैंडल। गुड गवर्नेंस की एक महत्वपूर्ण बात होती है इफेक्टिव डिलीवरी। अब जनधन अकाउंट की यहां चर्चा हो रही है, हमारे माननीय रूपेश नेताजी ने भोपाल के अच्छे उदाहरण दिए। मैं गुलाम नबी जी का बहुत आभारी हूं कि जो एक विपक्ष ने करना चाहिए वैसा सटीक काम उन्होंने किया। भोपाल जिले में किस गांव में कौन जनधन अकाउंट से रह गया है और उसका रिकॉर्डिंग तक करके ले आए। होना यही चाहिए तभी एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल बनेगी, और ये सदन के सदस्यों का यही काम होता है। ये मुद्दा मेरी सरकार तेरी सरकार नहीं होता है, और मैं मानता हूं ये सही दिशा का ये प्रयास है। उसमें तथ्य क्या है वो तो कल अरुण जी ने कह दिया, मैं तथ्य के चर्चा नहीं कर, मैं इस प्रयास को अच्छा मानता हूं क्योंकि कभी कभार नीचे से व्यवस्था से खबर आ गई और मान लेते हैं, लेकिन विपक्ष सजग रहा, देखा और कितनी मेहनत की सर, सत्ता में इतनी मेहनत की होती तो जनधन अकाउंट का काम मुझे करना ही नहीं पड़ता। बाल की खाल उधेरी। लेकिन फिर भी अच्छा किया साहब। आपने माइक्रोस्कोप लेकर के देखा, मोदी कह रहा है जनधन हो गया, देखो यार कहीं तो होगा कोई कोने में, बहुत माइक्रोस्कोप लेकर के निकले। लेकिन साहब आप इतने साल माइक्रोस्कोप नहीं, अगर बाइनोकुलर से भी देख करके काम किया होता तो आज ये मेहनत करने का मेरे जिम्मे ना, आज माइक्रोस्कोप लेकर के घूम रहा हो। अच्छा होता जब सत्ता में थे बाइनोकुलर से भी देख करके काम को निपटारे करने का प्रयास किया होता। और इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम इफेक्टिव डिलीवरी पर बल दें, वरना कभी जो लास्ट माइल डिलीवरी हमारे यहां तक जो लोग सरकार में उनको मालूम है, हमें उसमें जितना ही हम पुरुषार्थ करें करना चाहिए। हमारे सीताराम जी ने एक विषय छोड़ा था, उन्होंने कहा था कि ये टारगेटेड सब्सिडी के नाम पर आप सब्सिडी कम कर रहे हो, वैसे वो उनके नेचर का विषय नहीं है, लेकिन क्यों बोल दिया मुझे समझ नहीं आता है। क्योंकि लेकिन हो सकता है पॉलिटिक्स में कुछ चीजें करनी भी पड़ती हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं चंडीगढ़ शहर का। चंडीगढ़ शहर में ज्यादातर घरों में बिजली है, ज्यादातर घरों में गैस कनेक्शन है, उसके बावजूद भी चंडीगढ़ में 30 लाख लीटर केरोसिन जाता था, जबकि उनका कोई उपयोग उनको नहीं था। कुछ परिवार थे जिनके पास गैस नहीं था, शायद उनको उपयोग होगा 30 लाख लीटर केरोसिन। हमने सोचा कि भाई जरा हम जाम योजना को लागू करें, सर्वे किया, आधार का उपयोग किया, गैस कनेक्शन का डाटा इकट्ठा किया, कुछ परिवार रह गए जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं था। तो हमने एक अभियान चलाया है, आने वाले कुछ दिनों में शायद पूरा हो जाएगा। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि 30 लाख लीटर केरोसिन जो कि जाता था और धन्ना सेठों के द्वारा बाजार में चला जाता था, मुड़ीपतियों के पास चला जाता था,
ये पूंजीपति लोग उसका ब्लैक मार्केटिंग करते थे, डीजल में मिक्स करते थे, एनवायरमेंट को बर्बाद करते थे। ये टारगेटेड सब्सिडी का परिणाम ये है कि ये जो धन्ना सेठ या पूंजीपति के लोगों के हाथ में 30 लाख लीटर केरोसिन जाता था, बहुत एक तो बंद हो गया, बाकी भी अब बंद हो जाएगा। और इसके कारण देश की करोड़ों रुपए की सब्सिडी बचेगी, देश की करोड़ों रुपए की सब्सिडी बचेगी। तीसरा, देश को इंपोर्ट करने में भी राहत मिल जाएगी। कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि हम जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस काम को जो हम कर रहे हैं, इस काम के संबंध में सब्सिडी सही व्यक्ति को मिले, नियम में जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिले, समय पर मिले, उस दिशा में हमारा एक प्रयास है। ये रुपये बचाने का खेल नहीं है, एक व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी लाना नहीं, लीकेजेज बंद करने की, दलालों को निकालने का एक उत्तम प्रकार का प्रयास है। उसमें भी कुछ कमियां हैं तो ठीक करनी है, और आप लोगों का उसमें सहयोग मिलेगा, कहीं से कोई जानकारी मिलेगी तो उसको ठीक करने में सुविधा बढ़ेगी। तो मैं निमंत्रित कर देता हूं सबको कि ऐसी कोई बात ध्यान में आए तो जरूर सरकार के ध्यान में लाइए ताकि हम इसको कर पाए। गुड गवर्नेंस का तीसरा पहलू होता है डिसेंट्रलाइजेशन। इतना बड़ा देश, हम सेंट्रलाइज मैकेनिज्म से नहीं चला सकते। जितनी बड़ी मात्रा में डिसेंट्रलाइज करेंगे, और इसलिए सरकार ने नीतिगत रूप से डिसेंट्रलाइज करने की दिशा में बड़े अहम कदम उठाए हैं। जैसे एनवायरनमेंट, हमने एनवायरनमेंट की हर परमिशन को दिल्ली ले आए, एक दफ्तर में ले गए, एक व्यक्ति के पास ले गए, और क्या परिणाम आया हम जानते हैं, क्या क्या बातें सुनी गई, क्या क्या बातें कही गई, किस पर क्या क्या लगा, सब मालूम है। हमने 10 रीजनल ऑफिसेस को स्टैंड इन किया और इन चीजों को वहीं पर, ताकि उनको वहां की समस्या का समझ है, वो जानते हैं चीजों को, उसको हमने किया। कुछ चीजें सरकार की, मैं तो हैरान हूं, एक गांव के बीच में से रेल जा रही है, इधर से पानी उस तरफ ले जाना है तो पाइपलाइन डालने में 50 परमिशनों में वो अटके पड़े हुए थे, और बिना पानी को एक इलाका तरसता था। ब्रिज बन गया है, दोनों तरफ रोड बनाना है, अटका पड़ा है। कभी दोनों तरफ रोड बन गया है, रेल वाले ऊपर ब्रिज डालने के लिए परमिशन नहीं दे, ऐसी छोटी छोटी चीजें। हमने रेल, रोड, पाइपलाइन, बिजली ट्रांसमिशन, इसके लिए केंद्र के पास आना ही जरूरी नहीं, ऐसा कानून बना, व्यवस्था कर, वही करो। इतना ही नहीं, हमने राज्यों के एनवायरमेंट क्लियरेंस के राइट्स बढ़ा दिए, राज्यों को अधिकार ज्यादा दे दिए, ताकि वो भी, हम जितने जिम्मेवार हैं उतने भी राज्य के लोग जिम्मेवार हैं, और वो कोई देश को बर्बाद करना नहीं चाहते। अब जैसे सैंड, आज हमारे यहां नदी में से बालू हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में कितनी, हर नदी दिल्ली तक इंतजार करती है परमिशन मिले। हमने इसको राज्य ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दे दिया, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी उसको निर्णय करेगी और वो तय करेगी। ऑनलाइन प्रक्रिया की, ऑनलाइन प्रक्रियाओं को लोग देख सकते हैं। रेलवे के टेंडर पहले रेलवे के सारे टेंडर प्रक्रिया यहां होती थी, आज हमने उसको जनरल मैनेजर के अंडर में डाल दिया, टेंडर प्रक्रिया वहीं से चल रही है, गति से चल रही है। पहले कैबिनेट अप्रूवल के लिए 300 करोड़ 500 करोड़ के प्रोजेक्ट भी कैबिनेट के अप्रूवल के लिए आते थे, इंतजार करना पड़ता था। हमने तय कर दिया, मिनिस्ट्री करेगी, 1000 करोड़ से ऊपर होगा तभी कैबिनेट में लाना है, उन कामों को आगे बढ़ाएं। मैं
मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमने डिसेंट्रलाइजेशन के द्वारा इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है।